राजस्थान की चुनाव विशेष खबरों से जुड़ी हर बात सूजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और अरिंदम। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन आज 151 उम्मीदवारों ने 196 नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अब तक कुल 302 नामांकन भरे जा चुके हैं। राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज भारत निर्वाचन आयोग ने VC के जरिए बैठक की। इसमें चुनावी और उनके सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग के सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राजस्थान से इसमें CS उषा शर्मा, DGP उमेश मिश्रा, CEO प्रवीण गुप्ता, प्रमुख गृह सचिव आनंद कुमार और अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति और सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने पर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर 630 मिनट का समय आवंटित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की अध्यक्षता में कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्लॉट आवंटन लॉटरी निकाली गई। CEO ने बताया कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर 10 से 21 नवम्बर तक दीपावली को छोड़कर 11 दिन प्रसारण होगा। दूरदर्शन पर प्रसारण का समय शाम 4:30 से 5 और शाम 6 से 6:30 बजे तक होगा। आकाशवाणी पर शाम 5 से 5:30 बजे तक और शाम 7:30 से 8 बजे तक प्रसारण होगा। राजनीतिक दलों को 15-15 मिनट के स्लॉट में समय दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही हैं। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 448 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूरी आचार संहिता के दौरान महज 70 करोड़ की जब्ती की गई थी। जाहिर है ताज़ा आंकड़े उसके मुकाबले 640% ज्यादा हो चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि करीब 71.86 करोड़ रुपए के सीजर के साथ जयपुर प्रदेश में सबसे आगे है, 27.14 करोड़ रुपए के साथ अलवर दूसरे और लगभग 19.39 करोड़ रुपए के साथ जोधपुर तीसरे स्थान पर है। अब सुनिए चुनाव विशेष हलचल के साथ जिलों की खबरें। श्रीगंगानगर में EVM VVPAT का पहला रैंडमाइजेशन आज कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि अब 3 नवंबर से विधानसभा क्षेत्रवार EVM की छटाई करके 6 नवंबर को विधानसभा क्षेत्रवार आवंटन किया जाएगा। जोधपुर व्यय पर्यवेक्षक आम्रवंशी, दबास और गिरी ने सूचना केंद्र कार्यालय में संचालित MCMC प्रकोष्ठ का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रकोष्ठ के विभिन्न प्रबंधों और कार्यकलापों के बारे में जानकारी ली और व्यवस्थाएं देखी। और अब सुनिए कोटा संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की ये अपील। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 25 नवंबर 2023 को होने वाले हैं। मैं कोटा जिले के सभी वोटर से अपील करती हूं कि आप सभी 25 नवंबर 2023 को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे। बीकानेर में आदर्श आचार संहिता और MCMC के संबंध में प्रेस प्रतिनिधियों और कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मास्टर ट्रेनर्स ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सहित विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। और अब प्रदेश भर में आकर्षण का केंद्र बन रही स्वीप गतिविधियों पर एक नजर। भरतपुर में वैर और भुसावर उपखंड मुख्यालय में CRPF और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की। सीकर के स्कूली विद्यार्थियों ने रैली निकालकर मतदान करने का संदेश दिया। बीकानेर में वोट चौपाल में करीब 66,000 लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज की। युवा से लेकर बुजुर्ग यानी हर वर्ग ने 100% मतदान की शपथ ली। जिले के ग्राम पंचायत भवनों और सार्वजनिक जगहों पर रंगोली बनाई गई। श्रीगंगानगर में स्काउट रोवर ने चांदना धाम में दर्शनार्थी और यात्रियों को मतदान के लिए जागरूक किया। झालावाड़ में मानव श्रृंखला के माध्यम से वोट का लोगो बनाकर मतदान के लिए जागरूक किया गया। तो सूजस आवाज राजस्थान की परवाज आज इतने ही। इस बात का रखिएगा ध्यान कि शनिवार 25 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे के बीच आपको करना है मतदान। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।